इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में। इस वक्त अपडेट की बात करें तो नीमच में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां ज्ञापन दिया, जहां उन्होंने फसल नुकसानी का आकलन कर मुआवजे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें बताया गया कि मंगलवार को नीमच जिले के गांव में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से रबी की फसलों में अफीम, गेहूं, चना, सरसों, इसबगुल को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि फसलें लगभग पक कर तैयार हो चुकी थी, परंतु अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण सभी फसलें खराब हो चुकी है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक क्षति पहुंची है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संबंधित विभाग से फसल नुकसानी का निरीक्षण करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। जी, 8/3/2022 को नीमच जिले के अंदर बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से रबी की फसल, जैसे नीमच जिला आप सभी को मालूम ही है कि किसान का जिला है, तो अफीम में सबसे ज़्यादा नुकसान ओलावृष्टि से और पानी से हुआ है। गेहूँ की फसल जो कि पूर्णतः जमीन के तले सो गई है, और यूसुफगुल जो है पानी के और यूसुफगुल के बीच में दुश्मनी कह सकते अपन, क्योंकि पानी लगते ही पूर्णतः नष्ट हो जाती है यूसुफगुल, तो यूसुफगुल की फसल जहाँ जहाँ भी किसानों ने बोई है वो 100% नुकसान हो चुकी है। गेहूँ में 50% नुकसान हुआ है, सरसों लगभग पूर्णतः खत्म है, और आपके अजगंध है, लहसुन है जो निकाल चुके हैं, जो फसलें पक चुकी हैं वो पूर्णतः नष्ट हुई हैं। तो उसी संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मार्गदर्शन या नेतृत्व में हमारे मंडल के अध्यक्ष, दक्षिण मंडल के अध्यक्ष, किसान मोर्चा के 4 जिला मंडल अध्यक्ष और किसानों के प्रतिनिधि मंडल को साथ लेकर के हमने माननीय कलेक्टर, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, और उनसे मांग करी है कि क्षेत्र में राजस्व विभाग के अमले के द्वारा जांच करवा करके किसानों को राहत भी दी जाए और आना रबी का फसल 2022 का बीमा भी दिया जाए। इस प्रकार की हमने मांग करी है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त करा है कि हम अतिशीघ्र आज ही और बाकी कहीं दूर दराज क्षेत्र में कल तक सर्वे करवा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेके किसानों को राहत देने की बात कलेक्टर महोदय ने बोली है। तो ये था अब तक का अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।